डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बैंक एवं बीमा समिति की 23वीं अर्धवार्षिक बैठक गुरुवार को गढ़ रोड स्थित अनंता होटल में संपन्न हुई। बैठक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय व भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी, जिसमें मेरठ के बैंकों एवं कंपनियों के कार्यालय प्रमुख, राजभाषा अधिकारी व प्रभारी ने भाग लिया। साल 2022-2023 में नगर स्तर पर राजभाषा का उत्तम काम करने के लिए बैंकों को राजभाषा विभाग की शील्ड योजना के तहत शील्ड प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बैंकों और बीमा कंपनियों के स्टाफ द्वारा गीत गाकर, काव्य पढ़कर और शायरी सुनाकर कार्यक्रम में चार चांद लगाए गए। मेरठ को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजन का दायित्व सौंपा गया, जिसमें विभिन्न सरकारी बैंक एवं बीमा कंपनियों के कुल 18 सदस्य हैं। नराकास सदस्य सचिव स्वाति वर्णवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वह सभी सदस्यों से वर्ष 2023-24 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह संदेश दिया कि हम के क्षेत्र से हैं, अतः हमें अनुवाद की भाषा पर आश्रित ना होकर मूल रूप से हिंदी में कार्य करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।